टेस्ट 36, दो अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच बायोलॉजिकल इंटरैक्शन। इन क्रीचर्स को जुड़ने के लिए ऐसा होस्ट चाहिए जो सांस लेता हो, ताकि ऑक्सीजन से भरपूर माहौल में ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। पर इन सब होस्ट के शरीर सिम्बियोट्स को अपना क्यों नहीं रहे? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, बॉन्डिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। एक सेकेंड, शायद कुछ हो रहा है। क्या? मेरे ख्याल से असर होना शुरू हो गया। लेकिन क्यों, सिर्फ इस खरगोश के साथ ही क्यों? ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसा ही है। जिसमें डोनर और रिसिपिएंट कंपैटिबल होने चाहिए। जी हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमने सिम्बियोसिस हासिल कर लिया, हाँ? तो ना सिर्फ ये यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे, बल्कि हम भी वहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। हम इंसानों पर टेस्ट शुरू करो। देखिए, इस वक्त हम ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर स्कॉट, तुम्हें समझ में आ रहा है? हम एक बहुत बड़ी साइंटिफिक खोज करने के करीब है, बहुत बड़ी। हाँ, मैं जानती हूँ। अगली पीढ़ी के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। वैसे कैसे हैं तुम्हारे बच्चे? इंसानों पर ट्रायल शुरू करो। हमारी इस दुनिया से जाने के बाद भी लिए जाते रहे। आज इतिहास रचने का पहला दिन है। हमारी ये शुरुआत दुनिया बदल कर रख देगी। तो चलो शुरू करते हैं। मेरी बात करवा, डरने की कोई जरूरत नहीं है आइज़ैक। डरो मत आइज़ैक। पता है बाइबल में इस नाम का जिक्र हुआ है? हाँ पता है। जब गॉड ने इब्राहिम से कहा वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे दिल के करीब है लेकिन फिर भी तुम उसे कुर्बान करने के लिए राजी हो, तो इब्राहिम ने कहा उसका बेटा आइज़ैक। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है कि वो कुर्बानी इब्राहिम ने नहीं आइज़ैक ने दी थी। इसलिए जब भी मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि आइज़ैक इस कहानी का असली हीरो है। तुम ही सोचो आइज़ैक, दुनिया को देखो क्या दिखता है। जंग, गरीबी, ये दुनिया नष्ट होने की कगार पर है और इसे बचाने के लिए वो ऊपर वाला कुछ नहीं करने वाला। इसलिए इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम पर और मुझ पर आती है। यकीन मानो आइज़ैक, हम ये कर सकते हैं और हम करेंगे। और इस बार आइज़ैक कुर्बान नहीं होगा। खोलो उसे। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां से। मुझे दूसरे वॉलंटियर को ले